इधर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फुल मोड तैयारी में नजर आ रही है। लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने कॉल सेंटर बनाया, जहां सांसद विधायक पर नजर रखने के लिए कॉल सेंटर बनाया गया है। साथ ही सभी सांसदों विधायकों की कॉल सेंटर से निगरानी भी रखी जाएगी। आपको बता दें कि एमपी एमएलए को नमो ऐप डाउनलोड कराने की जिम्मेदारी मिली है। कैंप लगाकर नमो ऐप डाउनलोड सांसद और विधायक कराएंगे। साथ ही कॉल सेंटर से कॉल कर लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाएगा, यानी कि एमएलए और उसके साथ ही सांसदों पर नजर रखी जाएगी। विभांशु हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विभांशु, अब बीजेपी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, किस प्रकार से जानकारियां सामने आ रही है कॉल सेंटर को लेकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में युद्धस्तर पर जुटी हुई है। इसको लेकर तमाम अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं प्रदेश और साथ ही साथ देश के अंदर में। तो वहीं अब जो लोकसभा क्षेत्रों के अंदर में कॉल सेंटर बनाने जा रही है बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व, और इसमें साफ तौर से जो तमाम उनके जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको इस कहीं ना कहीं कॉल सेंटर के माध्यम से उनकी कार्य प्रणाली पर, उनकी सक्रियता पर, कि कैसे वो क्षेत्र में सक्रिय है, इस पर नजर रखेगी। इसको बता दें आपको कि साथ ही जो एमपी एमएलए हैं उनको नमो ऐप नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड भी करने को लेकर निर्देश दिया गया है। डाउनलोड कराने को लेकर जागरूकता के तहत लोगों को डाउनलोड कराने के लिए निर्देशित भी किया गया है। आपको बता दें कैंप लगाकर इस ऐप को डाउनलोड कराने का निर्देश दिया गया है, और क्या लाभ दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और जनप्रतिनिधि कितना जनता तक पहुंचा रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल विभांशु, तो ये समझा जा सकता है कि अब नमो ऐप डाउनलोड कराने की जिम्मेदारी सांसद और विधायकों को दी गई है। अगर वो जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभाते तो फिर कॉल सेंटर आम जनता से उसका फीडबैक लेगा, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं अब केंद्रीय नेतृत्व विधायक और सांसद पर नजर बनाता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, कॉल सेंटर से नजर रखी जाएगी सांसदों और विधायकों पर। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की कार्यशैली और कार्यप्रणाली यहां पर सामने आती है विधायकों और सांसदों की। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, देखते रहना।